हाय दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों मनोहर रही प्रश्नवली चार दोस्तों यहां से एक से लेकर के प्रश्न नंबर छ तक के इस पूरे वीडियो में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों प्रश्न नंबर एक कह रहा है दो कर्मा सम संख्याओं का गुणनफल फल पांच सौ अट्ठाईस है संख्या ज्ञात कीजिए दूसरे है दो संख्याओं का योगफल बीस और उनका गुणनफल फल दस है उनके वित्त का योगफल ज्ञात कीजिए तीसरा है किसी संख्या का वर्ग उसके चार गुने से बारह अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश 2023 ईडी कोड में प्रश्न नंबर तीन पूछा गया है प्रश्न नंबर चार है एक प्लस वन पान बराबर दस बटी तीन तो को हल कीजिए पांचवा है रूट एक्स माइनस प्लस दो बराबर एक को हल कीजिए और प्रश्न नंबर छह है जो कि इस पूरे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा छह है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्ग मूल्य का योग फल बारह है संख्या ज्ञात कीजिए आइए दोस्तों प्रश्न नंबर एक से लेकर के प्रश्न नंबर छह तक इस पूरे वीडियो में हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है दो कर्मागत सम संख्याओं का गुणनफल फल पांच सौ अट्ठाइस है संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों सम संख्या का मतलब ये होता है दो से कटने वाली संख्याएं तो यहां से लिखेंगे माना माना दो कर्मागत तो, माना दो कर्मागत तो, सम संख्या ए टू एक्स टू एक्स प्लस टू है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में कह रहा है इन्हीं दोनों सम संख्याओं की जो दो सम संख्या है इन दोनों का गुणनफल ही दिया है पांच सौ तो यहां पर दिया क्या गया है टू एक्स इन टू टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पांच ना अब दोस्तों ब्रेकर के अंदर जो टू एक्स प्लस टू है इसमें दोस्तों हम टू क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं तो बच्चा टू यक्स दोस्तों क्या बचेगा यस प्लस वन बच्चा दोस्तों बराबर यहां से पांच सौ मिला दोस्तों दो एक्स एक्स प्लस वन बराबर दोस्तों होगा पांच अट्ठाईस अब दोस्तों करते क्या है हम यहाँ से चार के पहाड़े में पांच सौ अट्ठाइस जो होगा ये करता है एक सौ बत्तीस बार पर तो इस से अंदर गुड़ा कर दो यक्स गुड़े क्या होगा स्क्वायर प्लस गुड़े क्या होगा एकस एकस बराबर दोस्तों एक सौ बत्तीस का पक्षांतर होगा यहाँ से होगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस एक सौ बत्तीस बराबर जीरो अब दोस्तों करते क्या है यहाँ से एक सौ बत्तीस का हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिसको घटाने पे दोस्तों लाना है यहाँ पर कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं एक सौ बत्तीस इकन्नम एक सौ बत्तीस बारह ग्यारह में एक सौ बत्तीस दोस्तों बारह में ग्यारह घटाने के बाद आपको एक मिल जाएगा तो इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस बारह माइनस ग्यारह यक्स माइनस एक सौ बत्तीस बराबर दोस्तों जीरो होगा X 12 कर दो X में तो बराबर दोस्तों जीरो होगा अब करते क्या यहाँ से दो दो पद का हम कॉमन करेंगे तो यक्स दोनों पद में ही कॉमन करेंगे तो बचा यक्स प्लस बारह माइनस ग्यारह कॉमन करने के बाद यक्स बचा और दोस्तों माइनस कॉमन करने से माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाता है प्लस और ग्यारह के पहाड़े में एक सौ बत्तीस बारह पर आता है बराबर दोस्तों जीरो हो गया तो यहां से X 12 और यक्स माइनस ग्यारह बराबर दोस्तों जीरो हो गया दोस्तों यहाँ पर दो गुणनखंड जीरो के बराबर आया है तो यहां से कर देते हैं यक्स प्लस बारह बराबर जीरो एक्स बराबर पच्छांतर दोस्तों प्लस बारह का होगा माइनस बारह और x माइनस ग्यारह बराबर जीरो बराबर दोस्तों होगा प्लस ग्यारह जैसा कि दोस्तों जो x का मान है ये केवल ग्यारह है और जो संख्या निगेटिव में है माइनस में इसको दोस्तों छोड़ दिया जाता है अब चूंकि दोस्तों पहली संख्या क्या थी कहोगे सर पहली संख्या आपका दो यक्स है हम करते क्या है दो गुड़े यक्स का मान ग्यारह तो होगा यहां से कितना दोस्तों ग्यारह दूनी बाईस और दोस्त दूसरा है टू यक्स प्लस टू है ना दो गुड़े यक्स का दोस्तों मान कितना है ग्यारह दो गुड़े ग्यारह प्लस दो दोस्तों होगा यहाँ से ग्यारह दून बाईस दो चौबीस दोस्तों नीचे लिखेंगे अतः अतः दो कर्मागत सम संख्याएं बाईस और चौबीस है दोस्तों ये प्रश्नावली चार प्रश्न नंबर एक का उत्तर हो जाता है दोस्तों आशा करते हैं प्रश्नावली एफ का प्रश्न नंबर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दो संख्याओं का योगफल दोस्तों कितने दिया है बीस दिया है ना और गुणनफल कितना है दस है तो उनके व्युत कर्मों का योगफल क्या होगा दोस्तों यहां से मानेंगे माना दो दो संख्याएं, और वाई है दोस्तों यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों प्रश्न में कह रहा है इन्हीं दो संख्या का जो योगफल है यानी यस प्लस वाई है इसका मान दिया है बीस फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है दस दिया है ना हमसे पूछ रहा है इसलिए संख्या के कर्मों का योगफल दोस्तों कितना है योगफल हमको ज्ञात करना है अब दोस्तों संख्या x और y है इसका होगा वन अपान y का होगा वन अपान वाई अब दोस्तों करते क्या इसका हम एल्सियम ले लेंगे यहां से तो होगा यक्स वाई यक्स कट गया बचा वाई वाई को यहाँ लिखेंगे और दोस्तों y दोस्त से y कटने के बाद यक्स बचेगा x का गुणा होगा एक में अब दोस्तों करते क्या यहाँ से जो यक्स प्लस वाई है इसका मान ऊपर खुद ही दिया गया है बीस और यक्स वाई का मान दिया है दस दोस्तों दस पहाड़े बीस दो बार पे आता है ये दोस्तों जो दो आया प्रश्नावली प्रश्न नंबर दो का उत्तर हो जाता है दोस्तों आशा करते हैं प्रश्नावलीचार्य प्रश्न नंबर दो का प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब दोस्तों प्रश्न नंबर यहां से तीसरा आपके सामने कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर तीन है किसी संख्या का वर्ग उस, उसके चार गुने से बारह अधिक संख्या कीजिए तो यहां से लिखेंगे माना संख्या यक्स है अब दोस्तों कह रहा है संख्या का वर्ग यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों संख्या यक है ना संख्या है संख्या का वर्ग तो संख्या का वर्ग कर दिया संख्या के गुने से तो दोस्तों संख्या यक से है और कह रहा संख्या का चार गुना का मतलब चार से गुणा कर देंगे संख्या का चार गुने से बारह अधिक का मतलब दोस्तों प्लस और दोस्तों कितना अधिक है बारह अधिक है दोस्तों ये प्रश्न होगा यानी किसी संख्या का वर्ग संख्या के चार गुने के चार गुने से बार अधिक है या दोस्तों कह सकता किसी संख्या का वर्ग संख्या के चार गुने से बारह कम है अगर दोस्तों कम कहेगा तो माइनस लगा देना अधिक कहेगा तो प्लस लगा देना अब दोस्तों दोनों कर देता हूं पच्चांतर यहां से हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस बारह बराबर दोस्तों जीरो हो जाएगा और दोस्तों छह दुनी बारह छह में दो घट करके आपको चार मिल जाएगा तो स्क्वायर माइनस छ माइनस छ माइनस दो बराबर दोस्तों दो यस माइनस बारह बराबर जीरो माइनस छ प्लस दो कॉमन किया तो होगा यहाँ से यक्स माइनस छ बराबर जीरो यक्स माइनस कॉमन किया और यहाँ से बचा अगले ब्रेकेट में यक्स प्लस दो बराबर दोस्तों जीरो हो गया अब यहाँ से होगा दोनों ब्रेकेट जीरो के कुल है दोनों कमान जीरो के बराबर कर दूंगा तो बराबर जीरो बराबर दोस्तों प्लस दो बराबर जीरो बराबर माइनस दो और दोस्तों माइनस की संख्या को छोड़ दिया जाता है इसलिए यक्स बराबर छे प्रश्न नंबर तीन का उत्तर हो जाता है अब दोस्तों प्रश्न नंबर चार है दस बटे तीन को हल कीजिए तो होगा यहाँ सेक्वायर माइनस दस एक्स प्लस तीन बराबर दोस्तों जीरो तो हो, हो गया अब दोस्तों इसका पद तोड़ देंगे तीन त्रिकन नौ और दोस्तों नौ इकन्नम नौ नौ, नौ, नौ नौ में हम एक जोड़ देंगे तीन नौ प्लस एक 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 प्लस तीन दोस्तों तीन नौ एक एक प्लस तीन बराबर तीन तो यक्स माइनस तीन बचे माइनस एक कॉमन तो यस माइनस कॉमन करने पर अंदर का निशान प्लस से माइनस हो जाता है बराबर दोस्तों जीरो तो यस माइनस तीन और

इस प्रश्न नंबर चार का उत्तर हो जाता है अब दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ से पांचवा कह रहा है। पांचवास प्लस दो दोस्तों एक दिया है। अब करते क्या यहां से लिखेंगे रूट बराबर दोस्तों वन इसका पक्षांतर होगा माइनस टू यक्स होगा अब दोस्तों इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहां से तो हो जाएगा आपका रूट का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस टू यक्स का होल स्क्वायर दोस्तों वर्ग से वर्ग मूल कट गया है ना और यहां सेवल बचा क्या X बराबर इसे मानेंगे वन को ए मानेंगे टू को बी मानेंगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दोस्तों होगा यहाँ से यक्स बराबर ए का वर्ग एक प्लस दो का वर्ग दोस्तों होगा चार एक्स स्क्वायर माइनस दो दो नी चार एक्स हो गया अब दोस्तों करते है क्या है यहां से यहां दोस्तों लिखते हैं दोस्तों करते क्या है एक्स बराबर चार स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक और दोस्तों क्या होगा यक्स कर देता हूँ पच्छांतर तो होगा यहाँ से चार एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स ये दोस्तों प्लस यक्स पच्छांतर होगा माइनस यक्स और प्लस एक पहले से बराबर दोस्तों जीरो हो गया अब करते क्या है यहाँ से चार एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस एक बराबर दोस्तों क्या होगा यहाँ से जीरो हो गया अब दोस्तों करते क्या है इसका हम गुणनखंड कर देते हैं चार नाम चार दोस्तों चार में हम एक जोड़ देंगे तो चार एक्स स्क्वायर चार प्लस एक यक्स प्लस वन बराबर दोस्तों जीरो होगा और यहां से करते हैं चार एक्स स्क्वायर प्लस चार्स माइनस एक प्लस एक बराबर जीरो दोस्तों चार एक कॉमन तो, प्लस एक एक तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है माइनस यहाँ पर भी होगा दोस्तों माइनस ये हो जाएगा बराबर दोस्तों जीरो तो यस माइनस एक और दोस्तों चार माइनस एक बराबर दोस्तों जीरो होगा अब दोस्तों करते क्या है दोनों मा जीरो के बराबर कर दूंगा तो होगा यक्स माइनस एक बराबर जीरो X बराबर एक और और से से दोस्तों प्रश्न नंबर पांच का उत्तर क्या होगा X बराबर एक यक्स बराबर एक बट्टे चार अब दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ से छः कह रहा है जो कि इस पूरे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा इसमें दोस्तों ये कह रहा है किसी धनात्मक संख्या उसकी धनात्मक वर्गमूल का योगफल बारह है तो संख्या ज्ञात कीजिए तो यहां से लिखेंगे माना माना धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या यक्स है फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों प्रश्न में कह रहा है धनात्मक संख्या यक्स। इसका वर्गमूल का मतलब इसी संख्या का वर्गमूल का मतलब रूट योगफल का मतलब प्लस बराबर दिया है बारह अब दोस्तों रूट बराबर बारह प्लस का पक्षांतर होगा माइनस दोनों पक्षों को दोस्तों वर्ग कर दीजिएगा तो यहाँ पर होगा बारह माइनस एक्स का हो इसको दोस्तों वर्ग से वर्ग मूल यक्स बराबर बारह का वर्ग एक सौ चौवालीस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और दोस्तों माइनस बारह दो चौबीस एक्स दोस्तों यहाँ पर होगा चौबीस एक माइनस यस प्लस एक सौ चौवालिस बराबर दोस्तों जीरो होगा दोस्तों प्लस एक्स का पच्चांतर होगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों माइनस चौबीस माइनस एक माइनस पच्चीस एक प्लस एक सौ चौवालिस बराबर दोस्तों जीरो हो गया अब दोस्तों करते क्या है जब इसका मध्यपद तोड़ेंगे हम एकक्वायर माइनस दोस्तों क्या होगा सोलह नवं एक सौ चौवालीस सोलह प्लस नौ पच्चीस सोलह प्लस नौ यक्स प्लस एक सौ चौवालिस बराबर दोस्तों जीरो जब दोस्तों इसको पूरा महल करेंगे ना तो यहां से आपको जो पहला ब्रेकेट होगा यक्स माइनस नौ मिलेगा और जो दूसरा ब्रेकेट होगा यक्स माइनस सोलह बराबर दोस्तों जीरो मिलेगा ठीक ना अब यहां से दोनों ब्रेकेट जीरो के बराबर कर देना आप तो यक्स माइनस नौ बराबर दोस्तों जीरो होगा यक्स माइनस सोलह बराबर दोस्तों जीरो हो जाएगा तो यक्स बराबर नौ और दोस्तों यक्स बराबर सोलह दोस्तों यहाँ से जो आपका सोलह है या एक आपकी अग्रहणीय मान है x यक्ष बराबर सोलह के मान रखने पर दोनों पक्ष मान बराबर नहीं आएगा लेकिन जब यक्ष मान नौ रखेंगे तब दोनों पक्ष मान दोस्तों बराबर हो जाएगा दोस्तों यक्ष बराबर नौ इस प्रश्न चार या प्रश्न नंबर छे का उत्तर हो जाता है दोस्तों आशा करते हैं प्रश्नाव चार में प्रश्न नंबर एक से लेकर के प्रश्न नंबर छ तक अच्छे तरीके से आप लोगों को इस पूरे वीडियो में समझ में आ, समझ में आ गया होगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू